नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ सीक्रेट भी होते हैं अमीर बनने के। कुछ आज ऐसे ही मैं आपको सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिनसे आप अमीर बन सकते हैं, जो कि है 6 सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। पहला है पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप जो भी कमाते हैं, जो भी आपकी कमाई है, उसका सबसे पहला हिस्सा आपका होना चाहिए, क्योंकि आपने ही उसमें मेहनत की है और आपने ही उसको कमाया है। तो सबसे पहला हिस्सा जो भी आपकी कमाई का है, कम से कम उसका 10% हिस्सा आप अपने लिए बचाना शुरू कर दे आज से ही। दूसरा है पुट योर मनी टू वर्क, यानी कि अपनी मनी को काम पे लगाओ। जो लोग पैसे कमाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट ना करके वेस्ट करते हैं, वेस्ट मतलब कि उन्होंने कोई लाइबिलिटीज़ खरीद ली, लाइबिलिटीज़ में अपना गाड़ी आ जाती है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, घर, ये सब लाइबिलिटीज़ होती है जिनमें पैसे लगते ही रहते हैं और उनको पैसे कमा नहीं सकते। पर जब हम जो पैसे अपने लिए बचाते हैं उसी को ही हम इन्वेस्ट करना सीखे, और जब हम उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो मनी अपने आप आपको और मनी कमा के देगी, यानी अपने आपके लिए काम करेगी। थर्ड स्टेप है स्टॉप बाइंग लाइबिलिटीज़। कोई भी लाइबिलिटीज़ यानी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, घर, ये एक लाइबिलिटीज़ होती है। अगर आप इसको ख़रीदते हो तो ये एक एसेट नहीं, लाइबिलिटीज़ के तौर पर आएगा कि आपने गाड़ी ख़रीदी तो गाड़ी में उसको चलाने के लिए उसमें और खर्चा करना, यानी पेट्रोल फ्यूल डलवाना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ होती है, वो हरदम और ख़र्चा मांगती है। हम लाइबिलिटीज़ पे ना इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट पे ही, एसेट बनाने पे इन्वेस्ट करें तो सबसे अच्छा होगा। फोर्थ है एलिमिनेट एक्सक्यूजेस। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे आप अमीर बन सकते हैं, कि कोई भी अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को मना करने से पहले उसको देखना चाहिए, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए कि मैं उसको नहीं कर सकता या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। पर किसी भी अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखते हैं तो उसको एलिमिनेट ना करके उसको एक सिलेक्ट मोड में लेकर और उसको देखे और समझे और फिर उस पर तुरंत एक्शन ले। फिफ्थ है इन्वेस्ट इन थिंकिंग यू नो। आप जो जानते हैं उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, यानी कि जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको मज़ा आता है और जिसमें आपका मन लगता है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने से आप ये देखोगे कुछ टाइम बाद वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा जिससे आपको हैरानी होगी कि ये भी मैं कर सकता था। तो आज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। और 6th एंड लास्ट, गेट हेल्प फ्रॉम मेंटर। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है जिसकी हेल्प आप टाइम टू टाइम लेते रहे। जैसे कि कोई भी बड़ा शख्स हुआ है, जितने भी उद्योगपति हुए हैं उनका कोई ना कोई एक मेंटर था, और जितने भी क्रिकेटर है उनका भी कोई ना कोई कोच या मेंटर है, जितने भी बड़ी हस्तियाँ हैं, जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, जितने भी कोई भी किसी को भी आप उठा लो, किसी ना किसी का कोई ना कोई मेंटर होता ही है और उनसे सीख के ही वो बढ़ते हैं। तो आप भी अपने फील्ड में जिसमें आपकी रुचि है उस तरीके का एक कोई भी मेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना एक मेंटर जो उस फील्ड में कामयाब हो उस मेंटर को आप अपना कर और उस मेंटर को उसकी सलाह लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट ये पांचों बताई है, उनको 6th मेंटर के हिसाब से अगर अप्लाई करते हो तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर आपको लगा कि ये किसी और को भी काम आ जाएगी तो इसको शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। सो थैंक यू दोस्त, बाय।